यह है हमारा गेहूं के आटे के हलवे की रेसिपी। यह है गेहूं का आटा, फ्लैक्सीड पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर, जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर। अब हम गैस जला लेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। थोड़ा गर्म हो जाएगी कढ़ाई तो हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे और चेक करते रहेंगे। बीच में जब वो गर्म हो जाएगा तो हम उसमें आटा मिक्स करेंगे। हम एक बार चेक करेंगे पहले, उसके बाद आटा मिक्स करेंगे। अब आटे को और घी को अच्छे से मिलाएंगे कि दोनों में लम्स नहीं पड़े। आटे में लम्स पड़ जाते हैं उसको प्रेस करके हटाएंगे। अभी इसको चलाते रहेंगे कि हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए हल्का हल्का होने लगा है, इसको हमें थोड़ा सा और करना है गोल्डन ब्राउन। चलाएंगे इसलिए क्योंकि ये नीचे लगे नहीं, लो फ्लेम में ही हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे इसको हम कि लम्स तो नहीं पड़ रहे हैं दोनों में। और ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गोल्डन ब्राउन पूरा हो चुका है। अब हम इसमें जैगरी डालेंगे। अब जैगरी डालने के बाद भी हम इसको चलाएंगे क्योंकि जैगरी में कहीं ना कहीं लम्स होते हैं तो वो आटे में चिपक ना जाए, इसके लिए हम प्रेस करके उन्हें भी हटाएंगे। और आप जो मीठा है वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मीठा खाता है तो और ज़्यादा गुड़ मिला सकते हैं, कम मीठा खाता है तो आप कम भी कर सकते हैं कि गुड़ और आटा दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग डालिएगा, वो कैसा खाता है। वो अगर अभी भी लिक्विड फॉर्म में लेता है तो आप इसको लपसी जैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर वो च्यूइंग कर सकता है तो फिर आप इसको थोड़ा थिक भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा थिक बनाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा इसको इजीली खा लेता है। जब वो छोटा था लिक्विड फॉर्म में लेता था तो इसको मैं लपसी फॉर्म में बनाती थी, इसमें ज़्यादा पानी डाल देती थी और ये लपसी फॉर्म में हमारा हो जाता था। आप चाहें तो इसी टाइम इसमें फ्लैक्सीड पाउडर और ड्राई फ्रूट पाउडर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बाद में डालती हूँ इसको क्योंकि मैं उसको अलग पोर्शन में लेके अपने बेबी को खिलाती हूँ। ये हमारा हलवा तैयार है। आप इसमें घी देख सकते हैं, हलवे के ऊपर घी हमें नज़र आ रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारा हलवा रेडी है। हम प्लेटिंग करेंगे। मैं हलवे को एक पोर्शन में रखती हूँ, एक पोर्शन में ड्राई फ्रूट पाउडर रखती हूँ और हर बाइट में थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स करके उसको खिलाती हूँ। इससे अगर लास्ट में 1-2 बाइट छूट भी जाती है तो उससे हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर वेस्ट नहीं होता है। यह हलवा बहुत न्यूट्रिशनल है बच्चों के लिए। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट भी है, हेल्दी फैट भी है, ड्राई फ्रूट से प्रोटीन भी उसको मिलता है और फ्लैक्सीड में फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3-6 होते हैं, आयरन होता है गुड़ में। तो आपका बच्चा ये ब्रेकफास्ट में भी ले सकता है और मैं अपने बच्चे को ये लंच में भी देती थी और अभी भी वो लंच में या डिनर में कभी भी एक बार ले लेता है। वो उसको खाना ये अच्छा लगता है। तो ये है हमारी फाइनल आटे का हलवा।